प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चल रहे हैं। द्वार से प्रवेश हो गया नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। మా అమ్మాయికి టెన్త్ తర్వాత ఐఐటి కోచింగా నీట్ కోచింగా అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇంటర్వ్యూకు సరిపోతుందా? కోచింగ్ కూడా జాయిన్ చేయాలా? డౌట్స్ ఎందుకండి? ఒక్కసారి రెసనెన్స్ హైదరాబాద్కి రండి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్తో పాటు ఐఐటి జేఈ నీట్ పరీక్షలో ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉన్న విద్యా సంస్థ రెసనెన్స్ హైదరాబాద్. डॉक्टर मोहन राव भागवत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपालदास जी महाराज उपस्थित है, केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है, गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। गर्भगृह में गोविंद श्री राम के विश्वकर्मा को बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए वो इस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य युगांतकारी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवतु सुखिनः का, वह संदेश है कृणवंतो विश्वमाद्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहे और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहे। आज इतिहास लिखा जा रहा है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अंतर मैदान में राशि आप आता है संकल्प वस्तु ఉంటది उन दुर्गाओं के लिए ये संकल्प है, उन बलिदानों के लिए ये मंत्रालय के उन श्री राम भक्तों के लिए ये संकल्प है, भारत भारतीयों के लिए ये संकल्प है, सनातन संस्कृति के लिए ये भारत के
जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री रामलला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो छह गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छह परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधार रहे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहाँ पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने